हाय गाइस एंड वेलकम बैक। तो आपको क्या लगा मैं ये वीडियो बनाए बिना ही चली जाऊंगी? ऐसा कैसे हो सकता था। सो हियर आर 20 कुर्ती विद जीन्स लुक्स जिनको क्यूरेट करने में मुझे ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने लग गए, बट आई एम सुपर प्राउड ऑफ द वे दिस वीडियो हैज़ टर्नड आउट एंड आई रियली होप कि आपको भी वीडियो अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर द फर्स्ट कैटेगरी आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाई शोइंग कि ट्यूनिक्स या शॉर्ट कुर्तीज़ को मैं जीन्स के साथ कैसे पहनना पसंद करती हूँ। आई स्टार्ट विद दिस गॉर्जियस ग्रीन हैंड ब्लॉक प्रिंट ट्यूनिक। इसको मैंने कुछ महीनों पहले मुंबई में पहना था विद वाइट स्कैलप पैंट्स एंड हियर ऑफकोर्स मैंने जीन्स के साथ पहना। साथ में वो जनपद से मैं शेल इयर रिंग्स लाई थी ना, उसके साथ लुक को कम्प्लीट करा। नाउ इफ़ यू आर थिंकिंग प्रेरणा नूडल स्ट्रैप ट्यूनिक्स लगती तो क्यूट हैं, बट यू नो वॉट, नॉट एवरी वन कैन वेयर देम। सो हियर इज़ हाउ यू कैन मेक योर नूडल स्ट्रैप ट्यूनिक अ बिट मोर संस्कारी बट स्टिल वेरी वेरी क्यूट एंड स्टाइलिश। नाउ रिमेंबर आई हैड दिस ट्यूनिक इन माई क्लॉजेट फ्रॉम 2019। मैं केरला गई थी छुट्टी पर और तब मैंने इस ट्यूनिक को पहना था विद अ स्कार्फ ड्रिप्ड अराउंड माई नेक। नाउ आई लेट दिस जनपथ वाला श्रग ऑन टॉप ऑफ दिस ट्यूनिक, wore my broke shoes and voila, don't I look smart and cute, yet I'm all covered up. Also, if your tunic slash top is in a straight cut, आप ऐसी इंडिगो जैकेट्स के साथ पहनो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड कूल लगती है, स्पेशली ऑन गर्ल्स जो मुझसे पूछती हैं प्रेरणा आई एम टॉप हैवी, आई एम जेंडरस ब्रेस्टेड, मुझ पर कुछ अच्छा नहीं लगता। मेक सच आउटफिट्स योर यूनिफॉर्म, स्पेशली ऑन डेज जिस दिन यू वॉन्ट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। कोई भी ओपन नेक की टॉप पहनो, ट्यूनिक पहनो और उसके साथ आप एक जैकेट लेयर करो। नीचे स्किनी जीन्स पहननी है, स्ट्रेट जीन्स पहननी है, वो आपकी मर्जी है, बट ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना ऑफ एन ओपन नेक टॉप विद अ जैकेट, बहुत क्लासी लगता है, बहुत कूल लगता है। अब कुछ स्लीव्स वाली ट्यूनिक्स की बात हो जाए एंड आई एम स्टार्टिंग विद अ क्विंटेसेंशियल कॉलेज गर्ल वाला लुक। व्हाट आई लाइक डूइंग विद सच बंद गला ट्यूनिक्स इज कि एक हाई बन बनाया और साथ में झुमकीज पहनी और मोटा मोटा काजल लगाया, काफ़ी सही लगता है। स्पेशली फॉर माई गर्ल्स जो कंप्लेन करती हैं दे आर टू स्किनी एंड दे वॉन्ट टू एड वॉल्यूम टू देयर बॉडी, आई फील लाइक ऐसा पेपलम स्टाइल कट और साथ में ऊपर से भी एम्ब्रॉयडरी है तो ऑल ओवर आपकी बॉडी को वॉल्यूम देगा और अच्छा लगेगा। एंड देन फॉर माई गर्ल्स जिन पर ऐसे बंद गला की ट्यूनिक सूट नहीं करती, आप ये रेड पोलका डॉट ट्यूनिक पहनो, ये भी बहुत क्यूट लगती है। इसका नेक हल्का सा ओपन है एंड आई लव दिस ब्राइट रेड कलर, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। आई मीन कई बार ऐसा होता है ना, कुछ कलर्स इतने प्यारे होते हैं कि आउटफिट अच्छा लगने लगता है। दैट इज़ हाउ आई फील अबाउट दिस रेड कलर। ऑल्सो समथिंग आई वॉन्ट यू टू नोटिस हियर इज़ द चॉइस ऑफ फुटवेयर एंड हाउ इट मेक्स अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। कई बार जीन्स और ट्यूनिक कॉम्बिनेशन बोरिंग एंड प्रिडिक्टेबल लग सकता है, सो आई ऑलवेज लाइक टू मेक माई आउटफिट एजी एंड इंटरेस्टिंग बाई चूजिंग अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ फुटवेयर। रिप्लेस योर ट्रेडिशनल झुमकीज विद हूप्स, choose a cute bag or maybe try ribbed jeans if you like them. Also, you could make your tunic jeans combo a bit more party appropriate with stiletto sandals, a boho bag and of course silver necklace. Next, let's move on to a category which I'm very very excited about and that is celebrity inspired kurti with jeans looks. Yaha! First would be a look jisko recreate karne ke liye काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, बट जब रेडी हुआ, हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला मेरा आउटफिट। आई होप यू आर स्टिल वॉचिंग द वीडियो एंड आई एम जेन्युइनली वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट स्पैम। सो द लुक दैट आई वॉन्टेड टू रिक्रिएट वॉज द सोनम कपूर लुक और प्रॉब्लम इसमें ये आ रही थी कि मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स ढूंढी, एक्चुअली फिजिकली दुकानों में भी गई, बट कहीं भी एक कुर्ती विद अ वाटरफॉल श्रग इस टाइप का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा था। इंडिविजुअली भी खरीदने की कोशिश करी बट कुछ मैच नहीं हो रहा था। देन फाइनली आई रीच्ड आउट टू अ होम ग्रोन ब्रांड कॉल तिलोरी एंड आई आस्क्ड देम इफ दे कुड रिक्रिएट समथिंग लाइक दिस फॉर मी। आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स आई थिंक वी नेल्ड इट। मेरे पास ब्लैक शेड में ऐसी रिब्ड जीन्स नहीं थी, बट अदरवाइज आई फील इट्स अ प्रिटी क्लोज रिक्रिएशन एंड फॉरगेट अबाउट द रिक्रिएशन। अदरवाइज भी आई फील दिस इज सच अ शीक एंड स्मार्ट लुक, स्पेशली विद द स्नीकर्स एंड द ग्लासेस। लव दिस लुक एंड स्पेशली लव द क्रिएटिविटी बिहाइंड दिस लुक। नेक्स्ट आई हैव द नुपुर सैनन लुक जिसको रिक्रिएट करने के लिए याद है मैं जनपद तक पहुँच गई थी। सो टैंग टैंग, दिस इज हाउ द लुक टर्नड आउट, काफ़ी क्लोज है
आई एक्चुअली फाउंड दिस बैग द जुत्तीज ऑन अ बजट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना फॉर ऑल द लिंक्स. लास्टली इन दिस कैटेगरी मेरा बहुत मन था कि मैं आलिया भट्ट का ये वाला लुक रिक्रिएट करूँ. आई थिंक दिस लुक इज फ्रॉम द डेज व्हेन शी वॉज प्रमोटिंग कपूर एंड सन्स. ऑल्दो दिस इज मोर ऑफ लाइक an asymmetric dress with jeans and technically this is not a kurti with jeans look, but nonetheless mujhe ye kafi cute laga and here is my recreation of it. आई थिंक आई लाइक इट. मुझे रेयरली ऐसे एसिमेट्रिक कट्स पसंद आते हैं. इफ़ यू बीन वॉचिंग मी फॉर अ वाइल, आई थिंक आपने मुझे ये कभी भी पहने नहीं देखा होगा या हार्डली कभी पहने देखा होगा, क्योंकि मुझे नहीं अच्छे लगते ऐसे एसिमेट्रिक कट्स. रियल लाइफ में पहनना तो बहुत दूर की बात है, मैंने वीडियोज़ में भी नहीं पहना होगा, बट जब मैंने यहाँ पर पहना हुए जीन्स मुझे मुझे अच्छा लगा. ऑल्दो ये ड्रेस मुझ पर बड़ी थी, इसमें ना मुझे लार्ज साइज ही मिल रहा था, बाकी साइजेस स्टॉक आउट थे, तो मुझे इसी के साथ पीछे क्लिप लगा के आपको दिखाना पड़ा. बट नॉनदलेस मुझे ऐसा लगता है अगर आप वेकेशन पर जा रहे हैं तो आप कोई भी ऐसी एसिमेट्रिक ड्रेस के साथ हैव दोज बीची वेव्स और फिर आपने नीचे जीन्स पहनी, स्लाइड्स पहने और एक बोहो बैग टाइप ले लिया, काफी कूल और शीक लगेगा. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू अ कैटेगरी जिसमें हम सूट्स जो सेट में आए थे उसका सिर्फ कुर्ता लेंगे और उसको जीन्स के साथ स्टाइल करेंगे. आई मीन कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसा लगेगा. फर्स्ट वुड बी दिस गॉर्जियस पाउडर ब्लू सूट सेट जिसका मैंने सिर्फ कुर्ता एक लाइट ब्लू फेडेड स्ट्रेट लेग जीन्स के साथ पहना एंड टर्न्स आउट इट लुक्स गुड. Also, this is such a super chill way of wearing your existing suit set. जैसे कई बार क्या होता है, suit set पड़ा रह जाता है, casually पहनो तो बहुत dressy और fancy लगता है, तो मौका ही ढूंढते रह जाते हैं कि कब पहनेंगे. So I feel, you know, when you wear the kurta with jeans, इसी बहाने चीज़ पहनी भी जाती है और अच्छी भी लगती है. Similarly, remember this striped suit set that I had shown in work outfits वाला video? I thought I'll try the kurta with a dark blue pair of denims and then I added this long necklace on top that I got from Janpath. And for footwear, I wanted to do something interesting and uncanny. तो मैंने ये जो ball necklace है इसमें green और blue का shade आ रहा है. So I thought चलो green mules पहनते हैं and this is how the entire outfit turned out. I mean, I like it. You could switch the footwear if you want, but मुझे अच्छा लगता है when things are slightly off so that everyone asks and then you are like, yeah, it's just my thought process. Then comes this kurta from Ajio जो मैंने 2020 में एक हॉल में दिखाया था और तब मैंने ब्रोकेड गोल्डन पैंट्स के साथ पहना था. इस बार मैंने स्टिलेटो सैंडल्स पहने और एक डार्क ब्लू स्किनी जीन्स पहनी एंड देन टू कीप अप विद द फेस्टिव फील ऑफ द आउटफिट मैंने ये पेंडेंट नेकलेस पहना दैट आई अगेन गॉट फ्रॉम जनपथ. आई लाइक हाउ द नेकलेस इज टाइंग ऑल द कलर्स टुगेदर, जैसे ग्रीन भी है नेकलेस में, देन देर इज डार्क ब्लू. सो आई जस्ट लव, इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट लुक्स फ्रॉम दिस वीडियो. लास्टली इन दिस कैटेगरी आई वॉन्ट टू शो यू दिस पिंक कुर्ता जो वाइट पैंट्स के साथ एक सेट में आया था एंड आई वोर विद ब्लैक स्ट्रेट फिट जीन्स और इसके साथ मैंने शूज़ पहने और ये वाला कांथा वर्क का बैग लिया. आई लव इट, आई लव वेयरिंग कुर्ताज विद जीन्स एंड आई गेस आई लाइक दिस कॉम्बो बिट मोर जब एजी शूज़ एसेसरीज के साथ आप सब कुछ कंप्लीट कर पाते हो. फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी आई शो यू अ कपल ऑफ कॉम्बिनेशंस जिसमें मैंने ड्रेसेस को जीन्स के साथ पहना है. बेसिकली ये लुक तो वैसा ही देगा कि मैंने कुर्ता विद जीन्स पहना है बट अ लॉट मोर स्टाइलिश. और ये कैटेगरी इंस्पायर्ड है विद वॉट दीपिका पडुकोन वोर इन लव आजकल, जो ओरिजिनल लव आजकल थी उसमें. आई रिमेंबर वॉचिंग दिस इंटरव्यू वेर इन अनाइडा वॉज टेलिंग दैट दीपिका वोर अ लॉट ऑफ ड्रेसेस और उनके साथ लेगिंग्स पहना. सो दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट मूवी एंड आई रियली होप आपको अच्छा लगेगा. नाउ फर्स्ट would be this white dress jo again main Janpath se layi thi and then I wore my mom jeans with the dress. Niche se maine jeans thodi si fold kar li taki mere footwear par dhyan de aur fir ek girly look ke liye maine hoop style silver earrings pehne. Next I have this white dress aur iski na ye flared sleeves hain. Basically baat ye hai ki jab aap dress ko jeans ke sath pehante ho it looks more like a kurti but kyunki isme ye sleeves hoti hain, halki detailing hoti hai jaise iske neck par hai, to isse ऑल ओवर लुक स्मार्ट लगता है. एक रेगुलर जीन्स विद कुर्ती आउटफिट को आपने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टच दे दिया. सिमिलरली आई वॉन्ट टू शो दिस सेंटर स्लिट कुर्ता टू यू. ये भी एक अच्छा ऑप्शन है व्हेन यू वॉन्ट टू स्पाइस अप योर डेली कुर्ता विद जीन्स लुक्स. आप साइड स्लिट भी ट्राई कर सकते हो, वो भी उतना ही प्यारा और अच्छा लगता है. बेसिकली इट्स अ ब्रेक फ्रॉम योर रेगुलर ए लाइन कुर्ताज और साइड स्लिट कुर्ता. ट्राई अ सेंटर स्लिट, क्या फ़र्क पड़ता है. इन अ सिमिलर फैशन आई फील लाइक कफ्तान और जीन्स
जीन्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो स्लाइटली अंडररेटेड है, बट एक्चुअली वो कुर्ता विद जीन्स ही होता है. तो मैं उसके भी आपको आपके लिए दो ऑप्शन लेकर आई हूँ. फर्स्ट वुड बी ये वाला लॉन्ग कफ्तान जिसको मैंने जीन्स के साथ पहना, और फिर ये एक शॉर्टर स्टाइल कफ्तान है जिसको अगेन मैंने जीन्स के साथ स्टाइल करा. सो लाइक यू कैन सी इट्स मोर लाइक, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग लग रहा है, ये कुर्ता विद जीन्स काइंड है बट स्लाइटली मोर स्पेशल एंड नाइस, और मुझे अच्छा लगता है टू ब्रेक अवे फ्रॉम द मोनोटनी एंड ट्राई समथिंग डिफरेंट. सो आई रियली होप सबको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मिला हो जिससे वो इंस्पायर हुए हो, जिससे उनको लगा हो ओके आई कैन डू दिस टू स्पाइस अप माई एवरी डे लुक एंड माई वार्डरोब. डू लेट मी नो आपको कौन से नंबर का लुक सबसे अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आपको इस वीडियो के बारे में. एंड दिस इज़ माई लास्ट स्टाइलिंग वीडियो फ्रॉम इंडिया. इसके बाद मैं लंदन में बनाऊँगी बट पता कह नहीं सकती कब बनाऊंगी. एनीवे जो भी होगा आपको आपके साथ शेयर करूंगी, अपडेट्स देती रहूंगी. डू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप प्लीज, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है. आई होप आपको अच्छा लगा हो, सो अपनी कमेंट्स में जरूर 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 बताना. टेक केयर, आप अपना ध्यान रखना एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड, लिटरली ऑन द अदर साइड. बाय.